आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विधानसभा चुनाव की विशाखा बिछने लगी है। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसकी तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्र में यूपी बिहार के विधायकों का विधानसभा वार प्रवास कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें 8 दिवसीय प्रवास पर देवतालाब विधानसभा पहुंचे यूपी के मल्लावा विधायक आशीष सिंह आशु, जहां विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल अंतर्गत कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की स्थिति क्या है इसकी भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया, जहां लोगों से मिलने के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही जल कल्याणकारी योजनाएं से प्रभावित होकर जिस तरह से लोग उत्साहित दिखे, इससे माना जा रहा है कि इस बार भी भाजपा की सरकार आना तय है। प्रवासी विधायक आशीष सिंगाशु देवतालाब विधानसभा स्थित मां अष्टभुजा धाम के ऐतिहासिक नगरी में पहुंचकर माता रानी के दर्शन प्राप्त किए। इसके बाद पत्रकारों के बीच शासन की योजनाओं का उल्लेख किया, साथ ही यह भी बताया कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की मजबूत स्थिति में है, इस बार काफी अंतर से भाजपा जीतेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। 8 दिवसीय प्रवास पर जब हम यहाँ आए तो मुझे यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा जोश लगा और संगठन और नीचे मंडल शक्ति केंद्र बूथ तक पार्टी का संगठन बहुत अच्छा है और जो हम सोच कर आए थे उससे कई गुना बेहतर संगठन की स्थिति यहाँ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछली बार से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगी। सर पर्यवेक्षक के रूप में आए ऐसा मैं हम लोगों का मानना है। एक सप्ताह से आप डेरा रखे हुए हैं देवतालाब विधानसभा, आपको क्या देखने को मिला? भाजपा दोबारा लौटेगी? देखिए एक तो बात आपकी है, पर्यवेक्षक की कोई बात नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता विधायक वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए जाते हैं, इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश में चुनाव है तो हम लोगों को पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, जोश खरोश भरने के लिए यहाँ भेजा गया और हम लोगों ने नीचे तक काम जो भी पार्टी बूथ संगठन का काम था उसको सुचारू रूप से 8 दिन में करने का काम किया है। और अब मुझे लगता है कि जो शिवराज जी ने लाडली बहना योजना चलाया है, लाडली लक्ष्मी योजना पहले से है, जहाँ तक किसान कल्याण निधि को भी 4,000 जो दिया था उसको 6,000 किया है, इससे महिलाओं में, बहनों में, किसानों में, नौजवानों में, सब में एक जोश खरोश है और पिछली बार से हम अधिक वोटों से देवतालाब भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत की सरकार बनेगी।